सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, प्रधानमंत्री भी आए और चले गए, लेकिन इंडिया की ये स्पेस जर्नी निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी, ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहां से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे, ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है और उसके बदौलत आज चंद्रयान ऊपर गया है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन यह भी विज्ञान है, मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, यह भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, यह भी साइंस है, लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी, और आज हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अद्भुत है सर, और ये जो यात्रा है, ये यात्रा चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी, चंद्रयान 2 में भी जारी रही, और चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है। ये हमारे 60-70 साल के टीम वर्क का नतीजा है। ये जो हमारा ऐतिहासिक पुराना संसद भवन है, उसमें जो आखिरी संयुक्त बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और सांसदों के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आ गए, नए संसद भवन में आ गए। 1947 से हमारी सफ़र, इस देश की सफ़र इसी तरह से हो रही है। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हम हमारा चंद्रयान ऊपर भेज रहे हैं। सर, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। सर, मैंने कहा कि यह गौरवशाली यात्रा है। आज इसरो भारत का गौरव है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विक्रम साराभाई जी के बारे में जयराम रमेश जी ने कहा, पूरी कहानी सुनाई। विक्रम साराभाई इसरो के उस वक्त टीम लीडर थे और उनके टीम भी बहुत छोटी थी, बहुत गिने चुने वैज्ञानिक उनके पास थे, पैसों की तंगी थी, लेकिन साल भर में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो ऐतिहासिक तस्वीर आज भी हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। और आज 6 दशक के बाद हम चांद पर, मंगल पर और गगनयान, ये सब जो देन है सर, ये हमारी देश के 60-70 साल में हमारे पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री मोदी जी की। सर प्लीज, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा मजबूत भारत बनाना है, बड़े सोच से ही भव्य मजबूत भारत का निर्माण होगा। सोच बड़ी होगी
तो बड़े काम हो जाते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमने कोरोना काल में क्या देखा, पापड़ बेचो, थालियां बजाओ, तालियां बजाओ, दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंधश्रद्धा है, ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे हमारे इस देश संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। संजय राउत जी वैक्सीन बनाया, इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया, और वैक्सीन बनने के बाद संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड, प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना फोटो लगाकर प्रचार किया। थैंक यू संजय राउत जी, प्लीज कंक्लूड। हमको आदर करना चाहिए हमारे साइंटिस्ट का, हमारे विज्ञान का, हमारे टेक्नोलॉजी का। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर सर, ये देश बहुत बड़ा है, प्लीज कंक्लूड। यू हैव टेकन सर ऑलमोस्ट टू मिनट्स। साइंस टेक्नोलॉजी ये राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इस विषय में भी राजनीति लाई। हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेलंगाना और आंध्र का झगड़ा लगा दिया, ये कब तक चलेगा सर? डॉक्टर अनिल जैन सर, आज के इस मौके धन्यवाद। उपसभापति